आउट ऑफ द बॉक्स में बात करते हैं ऑनर टेक सीईओ माधव सेठ से और जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में स्मार्टफोन्स क्यों इतने महंगे हो गए। जो स्पेक्स पहले 15,000 रुपए में आते थे वो अब 18-20,000 रुपए वाले फोन में आ रहे हैं। बजट और मिड रेंज सेगमेंट को अगर आप देखो ना तो हर फोन अब एक ही जैसा लगता है। सो हाय माधव, वेलकम टू जी न्यूज, प्लीज शेयर योर टेक ऑन दिस। I think the reason mainly is because कि initially it is not about economies of scale, यहाँ पे production को लेके नहीं था कि जैसे production बढ़ेगी तो cost down होगा। I think the initially people in the brands were investing to get the consumers. So I think now they have stopped burning and they also want to make sure that every company is profitable. Hence I believe the prices have gone up. Even though the volumes have gone up, the objective right now for every company is to be profitable and healthy, and I think that is one of the most fundamental reasons why the prices are going up at this point of time. Fine, Madhav. एक बात और है यहाँ पे कि innovation ना जैसे गायब होती जा रही है market से, कुछ features एक phone के आ गए, कुछ features दूसरे phone के आ गए और तीसरा phone तैयार हो गया। कंपनियाँ कुछ ऐसा कर रही हैं। So what's the reason behind this? I think आज के दिन में सारे consumers को मैं जैसे survey ले रहा था कि बहुत सारे consumers को एक ही feel हो रहा है कि सिर्फ back panel changes हो रहे हैं, बाकी फोन सब सारे के सारे सेम ही है और सब एक ही ब्रांड से आ रहे हैं पर सिर्फ नाम अलग अलग करके अलग अलग चैनल स्ट्रेटेजी करके आ रहे हैं। एंड आई थिंक इनोवेशंस इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड दिख रही है क्योंकि हो क्या रहा है कि एक ही ब्रांड तीन ब्रांड के नाम से या एक ही ब्रांड दो तीन ब्रांड के नाम से फोन लॉन्च कर रहा है। सो आप लोग को वो इनोवेशन लिमिटेशंस दिख रही है। हेंस आई थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर अ न्यू ब्रांड, नए ब्रांड के लिए स्कोप है, नए इनोवेशंस के लिए स्कोप है। वैसे माधव, आपने भी ऑनर 90 लॉन्च किया था अभी, इवन दो इंडिया में बजट और मिड रेंज सेगमेंट जो है उसकी ज्यादा मार्केट है सबसे ज्यादा, बट स्टिल आपने 35K के प्राइस पैकेट में फोन लॉन्च किया। सो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट? इंडियन मार्केट की ASPs पहले तो बढ़ रही है। इंडियन कंज्यूमर्स अभी एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ना कि ओनली स्पेक्स को, विच इज द बैलेंस्ड प्रोपोजिशन बिटवीन द स्पेक्स एज वेल एज फॉर द प्राइसेस, विच मीन्स दैट प्रॉब्ली के कंज्यूमर को एक अच्छा ड्यूरेबल स्क्रीन चाहिए, अच्छा क्लीन UI चाहिए, गुड कैमरा चाहिए एंड अ वेल बैलेंस्ड फोन विद अ गुड लुक एंड फील चाहिए। सो आई थिंक वी वॉन्टेड टू स्टार्ट विद अ वेरी बैलेंस्ड फोन एंड आई थिंक ऑनर 90 जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड फोन विच वी हैव एवर ब्रॉट इन। Got it, Madhav, पर आप भी नया ब्रांड लेके आए हो तो आफ्टर सेल सर्विसेज से लेकर भी ना कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वेयर टू गेट देयर फोन सर्विस, प्लीज एड्रेस दिस। सो सर्विस सेंटर्स के हिसाब से आई थिंक वी आर वेल कवर्ड, वी हैव मोर देन 350-400 सर्विस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, वी आर वेरी वेल कवर्ड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गिविंग अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड जिसके अंदर 30 दिन का DOA पॉलिसी भी हमने स्टार्ट कर दिया था बिकॉज वी वर वेरी श्योर अबाउट द क्वालिटी, हमको क्वालिटी को लेकर अश्योरेंस था।